आज बनाएंगे चुकंदर का जूस। तो देखिए चुकंदर को मैंने धो लिया है और इस तरह से हम चुकंदर को छील लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हाथों में भी रेड रेड लग जाता है, चुकंदर है ये, इसलिए हाथ भी लाल हो जाते हैं। और ये चुकंदर का जूस जो है बीपी को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है, बीपी को नॉर्मल करता है और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। कटे हुए चुकंदर को डालेंगे मिक्सी के जार में। ये देखिए इस तरह से मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नॉर्मल नमक, नमक डाल रहे हैं, थोड़ा डालूंगी मैं इसमें काला नमक, ये है काला नमक। और डालेंगे हम इसमें पानी, आप चुकंदर कितना आपके पास है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने एक गिलास पानी इसमें डाला है और अब इसे मिक्सी में अच्छी तरह से ये थोड़ा पीस चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू, ये मैं नींबू निचोड़ दूंगी इसमें। एक मिनट फिर से हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस गया है ये। अब हम इसे, ये देखिए छलनी से मैं इसे सारा छान लूंगी। इस तरह से हम सारा जूस इसका निकाल लें। जूस बन गया है ये हमारा। अगर घर में जूसर नहीं है तो भी हम मिक्सी में जूस बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए अब हम डालेंगे इस गिलास। ये देखिए ये हमारा हेल्दी हेल्दी जूस बनके बिल्कुल रेडी है चुकंदर का।